जिस तरीके से कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार यूपी आसाम सभी जलेगा और मैं क्यों इस्तीफा दूं प्रधानमंत्री का मना किया। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं, बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। देखिए, कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ? अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ, वो रहना नहीं चाहते हैं। अभी उनका कार्यकाल बाकी था, और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं वो भी कुछ लोग, वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार के जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है, वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है यहाँ, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई अच्छा अधिकारी नहीं कह रहे हैं ममता बनर्जी बलात्कारी का समर्थन करती हैं। अब एक बार हो गया ना भाई, कोई भी बलात्कार करने वाला उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाके मार्केट में तोड़फोड़ करिएगा क्या? उसका साथ आप दे रहे हैं? जो बाजार में जितनी डकैती की जा रही है खुलेआम, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या? आना चाहिए ना, सब लोगों को आना चाहिए। बिहार हमेशा से लिए उनके लिए चैलेंजिंग रहा है, तो बिहार तो आना ही चाहिए उन लोगों को। आज तक हमेशा जो है अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए, अभी भी आप देखिएगा इतना अपने आप को ताकतवर लोग समझता है। हालांकि इस बार लोकसभा में तो टाइटा फिश हो ही गया इन लोगों का, 400 पार कर रहे थे अपने भाजपा वाले लोग, क्या स्थिति हुई सब लोगों ने देख लिया। तो अभी भी तो पिछलगु तो नहीं हुए हैं ना भाई।